तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है। अब उनकी स्टोरी कंप्लीट होगी या नहीं ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां हम स्टूडेंट को एक मिनट का मौन व्रत रखते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हमें एक स्नैल बोर्ड पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनकी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्रिश्चियन है और वो लोग स्टोन फिशिंग का काम करते हैं। वो शिप को देखता है और फिर वो दौड़ते हुए उस शिप में मौजूद लेडी को इशारा करता है। उस लेडी का नाम होता है स्टेला। जैसे ही वो लोग अपनी बोट को सही करने की कोशिश करते हैं कि तभी एक पाल से स्टेला का सिर टकरा जाता है और वो पानी में गिर जाती है। और यहाँ से कहानी 3 हफ्ते पीछे चली जाती है जहाँ हम स्टेला को देखते हैं। स्टेला इंग्लैंड से 14 साल बाद वापस लौटी है और वो इंग्लैंड में रहकर इंग्लिश टीचर का जॉब किया करती थी और फिलहाल उसकी छुट्टियां चल रही है इसलिए वो अपने होम टाउन आई है। स्टेला यहाँ क्रिश्चियन और बाकी के लोगों के लिए बियर लेकर आती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब क्योंकि स्टेला जब बहुत छोटी थी तभी वो यहाँ से चली गई थी इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचानता, लेकिन तभी एक आदमी थॉमस उसे पहचान जाता है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो गई हो। इसके बाद स्टेला बताती है कि वो यहाँ के स्कूल की न्यू इंग्लिश टीचर है। यहाँ क्रिस्टीन के डैड भी स्टेला से बात करते हैं तो वहीं स्टेला क्रिस्टीन के डैड से कहती है कि वो किसी दिन उसे भी स्टोन फिशिंग के काम पर लेकर जाए, जिस पर क्रिस्टीन के डैड कहते हैं कि फिलहाल तो उनका काम पूरा हो चुका है और अब वो स्प्रिंग सीजन में ही अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वो अपने बेटे क्रिश्चियन को भी स्टेला से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि वो हाई स्कूल के फाइनल ईयर में इंटर करने वाला है। इसके बाद स्टेला वहाँ से चली जाती है। बाद में क्रिस्टीन स्टेला को एक फेयर में देखता है और यहाँ स्टेला भी उसे नोटिस करती है। फिर स्टेला अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। प्रिंसिपल मार्टिन नाम के एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि वो कल से तुम्हारे साथ ही स्कूल में पढ़ाने आने वाला है। यहाँ वो मार्टिन के बारे में बताते हैं कि उसकी वाइफ 2 सालों पहले ही गुजर चुकी है और फिलहाल उसकी 2 बेटियाँ हैं। फिर यहाँ प्रिंसिपल बोलते हैं कि अब तुम आ गई हो, शायद उन्हें अब माँ की कमी महसूस ना हो। और ये बातें सुनकर स्टेला उन्हें अजीब से एक्सप्रेशन देती है। उसी रात वहाँ एक लोकल फंक्शन होता है जहाँ एक आदमी ऑक्टोपस का भेष बनाकर लोगों के साथ मजाक कर रहा था। तभी वो स्टेला के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अब क्योंकि ये सब मजाक था लेकिन फिर भी स्टेला को ये सब पसंद नहीं आता, जिस पर वो आदमी स्टेला को टॉमबॉय करके बुलाता है और वह वापस से उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और वो उस आदमी को पीट देता है, लेकिन इस वजह से सबका मूड खराब हो जाता है। और मार्टिन स्टेला के पास आता है और वो उसके मूड ठीक करने के लिए उसके साथ डांस करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ स्टेला का मूड ऑलरेडी खराब था इसलिए वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को क्रिस्टीन अपने बोट पर होता है जहाँ से स्टेला का रूम साफ साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ वो स्टेला को कपड़े चेंज करते हुए देखता है और सुबह जब स्टेला की नज़र उस पर पड़ती है तब वो उसे खरी खोटी सुना देती है, लेकिन बाद में उसे जब अपनी गलती रियलाइज होती है तब वो क्रिस्टीन से माफ़ी मांगती है। यहाँ क्रिस्टीन उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों बोट पर सवार हो जाते हैं। यहाँ हम क्रिस्टीन को देख कर समझ पाते हैं कि वो स्टेला की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगता है और स्टेला पानी में कूद कर इंजॉय करने लगती है। इसी बीच क्रिस्टीन भी पानी में कूद जाता है और फिर दोनों वहीं खाली पड़े एक घर में चले जाते हैं। क्रिस्टीन वहां आग जलाता है ताकि स्टेला और उसे ठंड ना लग जाए और फिर यहां दोनों आपस में बातें करते हैं। स्टेला को क्रिस्टीन हमेशा से थोड़ा सीरियस लगता है इसलिए वो कहती है कि तुम्हारी उम्र में इतना सीरियस होना ठीक नहीं है, और ये कहकर वो उसे अपने पास बुलाती है। यहां क्रिस्टीन भी उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है और फिर यहां दोनों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब दोनों वापस घर लौट रहे होते हैं तब हम दोनों के फेस पर खुशी साफ साफ देख पाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां क्रिस्टीन स्टेला को पानी से बाहर निकालता है और एम्बुलेंस आकर उसे ले जाती है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि मार्टिन क्रिस्टीन को स्टेला के साथ देख लेता है। यहाँ स्टेला सफाई देने लगती है कि वो क्रिस्टीन की मदद कर रही थी। मार्टिन यहाँ स्टेला को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो स्टेला को पसंद करने लगा था, लेकिन स्टेला यहाँ कहती है कि आज उसे अपने डैड के पास जाना है और वो नहीं आ पाएगी। लेकिन इसके बाद वो क्रिश्चियन के साथ चली जाती है और क्रिस्टीन उससे पूछता है कि वो फिर दोबारा कब मिलेगी, जिस पर स्टेला कहती है कि कल स्कूल में। लेकिन यहाँ क्रिस्टीन उसे प्राइवेट में मिलने का पूछता है जिस पर स्टेला कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन स्टेला स्कूल में आती है और ये देखकर क्रिस्टीन बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ पूरे टाइम स्टेला क्रिस्टीन को इग्नोर करती है जिससे क्रिस्टीन को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास में जॉश नाम का एक लड़का होता है जो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, जिसे स्टेला इंप्रेस हो जाती है। अगले दिन जब पूरे क्लास रोड ट्रिप पर जाती है तब स्टेला पूरे समय क्रिस्टीन को इग्नोर करती है जिससे क्रिस्टीन काफी लेफ्ट आउट फील करता है। कुछ दिनों बाद स्टेला कहीं जा रही होती है कि तभी क्रिस्टीन अपने डैड के कार से उसका पीछा करता है। स्टेला यहाँ उसके कार में बैठ जाती है और कहती है कि कोई ऐसी जगह लेके चलो जहाँ कोई लोग ना हो। क्रिस्टीन बिल्कुल ऐसा ही करता है और दोनों एक सुनसान से लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उतरकर क्रिस्टीन स्टेला की फोटोज क्लिक करता है और फिर दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। वहाँ क्रिस्टीन स्टेला से पूछता है कि वो उसे स्कूल में इग्नोर क्यों करती है, जिस पर स्टेला कहती है कि उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है।
इस पर क्रिस्टीन कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती। उसी समय उसके पास एक बॉल उछल कर आती है और तभी स्टेला का फेवरेट स्टूडेंट जॉस अपने बाकी के बैचमेट के साथ वहां पहुंच जाता है और बताता है कि वो लोग यहां वॉलीबॉल खेल रहे थे। स्टेला और क्रिस्टीन को साथ में देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी स्टेला सब कुछ संभाल लेती है और उन लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेलने चली जाती है। स्कूल के फिर से शुरू होने के बाद क्रिस्टीन को स्टेला के साथ प्राइवेट में टाइम स्पेंड करने का मौका मुश्किल से मिल पा रहा था और इधर स्टेला भी अपने रिलेशन को प्राइवेट रखने की कोशिश करती है। इसलिए दोनों एक छोटे से टापू पर ही मिलते हैं जहाँ वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और घंटों इंटीमेट होते हैं। हालांकि उनके रिलेशन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन क्रिस्टीन के डैड को एक दिन सब कुछ पता चल जाता है। हालांकि वो अपने बेटे को समझते हैं, लेकिन क्रिस्टीन की माँ अब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है कि आखिर एक मिडिल एज वुमेन कैसे अपने से छोटे लड़के के साथ इंटीमेट हो सकती है। कुछ दिनों बाद स्टेला अपने इंग्लैंड के कुछ दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर जाती है और क्रिस्टीन वहीं अपने सीक्रेट आइलैंड पर एक प्यारा सा अरेंजमेंट करता है ताकि वो फ्यूचर में यहाँ स्टेला के साथ रह सके। इधर जब स्टेला अपने टूर से वापस लौटती है कि तभी उनकी बोट में कुछ खराबी आ जाती है। जैसे वो पाल को नीचे करने की कोशिश करती है कि उसी पाल से उसे चोट लग जाती है जिस वजह से वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। उसे जैसे तैसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और फिर प्रिंसिपल अपने कुछ स्टूडेंट के साथ उससे मिलने आते हैं। उसी रात क्रिस्टीन को एक बुरा सपना आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे स्टेला उससे दूर जा रही है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि स्टेला मर चुकी है। क्रिस्टीन स्टेला के डैड के घर जाता है और उसे पूछता है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कल स्टेला का फ्यूनरल है तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। स्टेला के लिए स्कूल में एक मिनट का मौन व्रत रखा जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद क्रिस्टीन अपने उसी आइलैंड में जाता है जहां वो स्टेला के साथ अपने आप को इमेजिन करता है और इसी तरह इमेजिन करते हुए यहां ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।